अलका जी हमारे साथ जुड़ रही है। मैडम, एक बहुत जघन्य अपराध की घटना सामने आई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, 110 दिन हो गए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस बने हुए। इन 110 दिन में 25 राज्य का दौरा करके कर्नाटका पहुंची हूं और 25 राज्यों में 50 महिला सम्मेलन किए। पता लगता है कि देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गया है, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपहरण सब बढ़ गया है। लेकिन कर्नाटका की इस घटना ने, जो हासन सेक्स स्कैंडल हुआ है, जिसमें भाजपा जेडीएस के उम्मीदवार जो है प्रज्वल जो है उसमें दोषी पाए जा रहे हैं, ये इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में अपराध एक है, विक्टिम एक है, लेकिन यहाँ अपराधी एक है, विक्टिम 1000 है। 1000 बेटियों के साथ, बहनों, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, वीडियो में दिख रहा है, जबरदस्ती की गई है, बलात्कार किए गए हैं, उनके वीडियो बनाए गए हैं और आज वो वीडियो पब्लिक में है और अपराधी जो है वो देश छोड़कर भाग गया है। और स्वाभाविक है, उसे देश छोड़कर भागने में भाजपा की दिल्ली में बैठी सरकार ने मदद की है। उन्हें पता था SIT बैठ गई, FIR होने वाली है, उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए था, उनको इमिग्रेशन पर रोकना चाहिए था, लेकिन उन्हें जर्मनी भेज दिया गया। अब हम सरकार से अपील करते हैं कि आप तुरंत अपने विदेश मंत्री को कहिए, प्रधानमंत्री जी आए, आप खुद जर्मनी की सरकार से बात करिए और उन्हें कहिए ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसे तुरंत डिपोर्ट करिए, भारत को और कर्नाटका की सरकार पुलिस को सौंपिए ताकि हमारी बेटियों से न्याय हो। हमने अपील की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक महिला, एक विक्टिम सामने आई है, उसकी FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन 1000 ऐसी बेटियां विक्टिम्स हैं, महिलाएं, हम उनसे भरोसा दिलाएंगे मैडम उनको कि वो आ गए हैं और अभी शिकायत करें रेवन्ना की। उनको भरोसा हो गया, अब देखेंगे, अभी एक पीड़िता सामने आ गई FIR की, अब 1000 भी हमारी बहनें सामने आएंगी क्योंकि उन्हें लग गया ये सरकार की, जिस जो स्टेट महिला आयोग है उसने अपने आप संज्ञान लिया है, सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर सरकार को कहा, सरकार ने बिना समय गवाए SIT का गठन कर दिया है, SIT ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहां तक राजनीतिक स्तर पर लड़ाई है, उन्हें एक ताकत देने की बात है विक्टिम्स को, हम पूरी महिला कांग्रेस आज उनके समर्थन पे यहां इसीलिए आई हैं ताकि उन विक्टिम को भरोसा हो सके कि यहां का राज्य महिला आयोग, यहां की सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरी महिलाएं, उनके साथ न्याय होगा, ये विश्वास दिलाएंगे और दिलाने की कोशिश है, स्वाभाविक है, आपके चैनल से, आपके माध्यम से उन विक्टिम तक ये आवाज पहुंचेगी और वो बाहर आएंगे। आपने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस बारे में चुप्पी साध कर रखी हुई, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे की बात है? दुख की बात है, चिंता की बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा देश में कहीं भी पहुंचती है ना, और यहां तो आपकी सरकार नहीं है, क्यों डर रही है? आइए ना यहां पर, आइए हमारे मुख्यमंत्री से मिलिए, SIT के से जांच में हमें मदद करिए, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आ रही है, सरकार तो हमारी है कांग्रेस की, लेकिन अपराधी जो है वो भाजपा का से जुड़ा हुआ, भाजपा का समर्थित उम्मीदवार है JDS का, इसलिए ममता राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा जो है, माफी चाहूंगी, रेखा शर्मा जी नहीं आ रही, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नहीं आ रही है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है जबान नहीं खोल रहे। जब आप चुप होते हैं तो आपकी चुप्पी आपकी सहमति दिखती है, आपकी सहमति दिख रही है, आपकी समर्थन अपराधी को दिख रहा है, लेकिन एक तरफ आप हैं, आपके अपराधी हैं प्रधानमंत्री जी, दूसरी तरफ महिलाएं हैं अपनी विक्टिम बहनों को न्याय दिलाने। गठबंधन अभी भी बरकरार है अलका जी, आपको लगता है कि इस गठबंधन से नाता तोड़ लिया जाना चाहिए था तुरंत जब ये घटना सामने? थोड़ी सी भी शर्म और मोरालिटी होती, बेटी बचाओ के नारे को सच करना होता तो बिना समय गवाए सिर्फ गठबंधन को ही ना तोड़ते, बल्कि आगे बढ़कर एक कदम उठाकर कार्रवाई भी करते, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला महिला बाल विकास मंत्री को भेजते यहाँ पर। आखिरी सवाल, उनके पिताजी को भी इसमें A1 बनाया गया है, वो फिलहाल हैं अभी इंडिया में, आप क्या कहेंगी, SIT क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, क्योंकि FIR दर्ज होकर 24 घंटे होने वाले? यहाँ की पुलिस, सरकार, SIT किसी दबाव में नहीं है, ना आने वाली है, अपना काम करेगी। हम तो JP नड्डा जी को भी बोलते हैं, आप लोगों के घरों में, परिवारों में जाकर पीड़िताओं को मिलते हैं, यहाँ एक नहीं 1000 पीड़ित है और आपके समर्थित सहयोगी दल का सिटिंग सांसद जो है प्रज्वल, आप ही ने उसको मिलजुल कर टिकट दिया है ना, कब जाएंगे JP नड्डा जी इन 1000 विक्टिम के घर, हम पूछना चाहते हैं।